भाग दोगे तो रामायण शुरू होगी, छीनोगे तो महाभारत। फैसला तुम्हें करना है, रामायण के महाभारत। हो जाइए तैयार, क्योंकि केजीएफ के दूसरे पार्ट में यानी कि केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा के किरदार को निभाने के बाद फाइनली अब संजय दत्त नजर आने वाले हैं अपने फैंस को द गुड महाराजा मूवी में नजर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपनी दमदार एक्टिंग से सभी फैंस का दिल जीतने वाले यानी कि संजय दत्त, जिनकी बात करें अगर पिछली रिलीज हुई मूवीज की, तो हाल ही में संजय दत्त केजीएफ मूवी के दूसरे चैप्टर यानी कि केजीएफ चैप्टर 2 में अपने फैंस को लंबे समय के बाद विलन के किरदार में नजर आए थे, जिस किरदार को संजय दत्त ने इतने बेहतरीन तरीके से निभाया था, जिससे ये पता चल गया था कि संजय दत्त बॉलीवुड के काफी एक्टर से अलग और हटकर हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि संजय दत्त की इसी दमदार एक्टिंग को देखते हुए अब संजय दत्त टी सीरीज के साथ मिलकर एक एक्शन फिल्म जिसका टाइटल मेकर्स के द्वारा द गुड महाराजा रखा गया है, उसमें नजर आने वाले हैं। आपको बता दें द गुड महाराजा फिल्म एक ऐसे महाराजा के ऊपर बनी हुई फिल्म होने वाली है, जिसने एक युद्ध के दौरान 1000 से भी ज्यादा बच्चों की जान बचाई थी, जो कि पूरी तरह से एक रियल लाइफ पर बेस्ड कहानी थी। बात करें अगर संजय दत्त के साथ साथ इस मूवी में वो कौन कौन से बॉलीवुड के कलाकार नजर आएंगे, तो IMDB की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मूवी में बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स नीतू चंद्र और बॉलीवुड के बैड बॉय यानी कि गुलशन ग्रोवर नजर आने वाले हैं, जिसे डायरेक्ट करेंगे विकास वर्मा, जिन्होंने इससे पहले शाहिद कपूर की फिल्म शानदार को भी डायरेक्ट किया था, जो कि थिएटर्स में तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, पर टीवी पर शाहिद कपूर के फैंस ने इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया था। खैर, बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के अगर आप फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और उनकी आने वाली फिल्म द गुड महाराजा के लिए आप एक्साइटेड हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।